नमस्कार साथियों, साहित्यवाणी यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज का हमारा वीडियो आदिकालीन रासो साहित्य पर है। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत ही नए नए तथ्यों की जानकारी होने वाली है, तो साथियों वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथियों, हिंदी साहित्य विषय पर आदिकालीन रासो साहित्य से एक दो प्रश्न अवश्य ही बनता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपने वीडियो में आदिकालीन रासो साहित्य को संक्षिप्त रूप से समेटने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो आदिकालीन रासो साहित्य पर। हिंदी साहित्य में रासो काव्य ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है। ये रासो ग्रंथ जैन कवियों के रास काव्य से भिन्न है। जैन कवियों का जो रास साहित्य था उससे भिन्न है, क्योंकि ये ग्रंथ वीररस प्रधान है और इनकी रचना चारण कवियों ने की है। यहाँ हम रासो शब्द रासो साहित्य के प्रमुख ग्रंथों के बारे में तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे। रास, पहले बात करते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। तो गारसदा तासी ने का मत है कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय यज्ञ शब्द से हुई है। राजसूय यज्ञ होता था, उससे हुई है इसकी उत्पत्ति। गारसदा ऐसा मत है गारसदा तासी का। इसके बाद नरोत्तम स्वामी का मत है कि राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से, रसिक, रासक और रासो, उन्होंने इसकी प्रक्रिया बताई है कि रसिक शब्द से रसिक, रासक और रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। वहीं रामचंद्र शुक्ल का मत है कि रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि संस्कृत के नाट्य उपरूपक रासक शब्द से, रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई, यानी रासक, रास, रासा और रासो, ये इन्होंने इसकी प्रक्रिया बताई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। वहीं माता प्रसाद एवं दशरथ शर्मा भी रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। कबीरा श्यामलाल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। और हरप्रसाद शास्त्री राजयस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानने के समर्थन में बीसल देव रासो की एक पंक्ति को प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। 1272 मझरी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ ही शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सबसे तर्कसंगत एवं सर्वमान्य है। उन्होंने लिखा है कि रासक एक छंद भी है और काव्य भेद भी है। वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित काव्यों के लिए किया है, प्रचलित रहा है, जिसे रास या रासा कहते थे। रासक छंद प्रधान रचनाओं को रास काव्य कहा जाता था। बाद में रास काव्य उन रचनाओं के लिए प्रयुक्त होने लगा जिसमें किसी भी गेय छंद का प्रयोग किया गया हो। आरंभ में रास छंद केवल प्रेमपरक रचनाओं के संदर्भ में प्रयुक्त होता था। बाद में वीर रस प्रधान रचनाओं भी इसी छंद में लिखी जाने लगी। अब बात करते हैं हम प्रमुख रासो कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। तो पहले हैं सारंगधर, इनकी रचनाएं हमीर रासो, जो कि अपभ्रंश में लिखी गई है और 1357 ईस्वी इसका समय है। दूसरे हैं दलपति विजय, इनकी रचनाएं खुमार रासो, ये राजस्थानी में लिखी गई है और इनका समय है 1729 ईस्वी। और इसके बाद हैं जगनिक, इनकी प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो, इसे आला खंड भी कहा जाता है, इसका समय है संबत 1230। फिर हैं चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसकी रचना 1343 ईस्वी। फिर हैं नल्ल सिंह, इनका ग्रंथ है विजयपाल रासो, इसका समय है 16वीं सती। फिर हैं नरपति नाल, इनका प्रमुख ग्रंथ है वीसल देव रासो, इसका समय 1212 ईस्वी। फिर एक अज्ञात हैं, इनका ग्रंथ है मुंज रासो, इनके कवि ज्ञात नहीं हैं। अब बात करते हैं रासो ग्रंथों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें। रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई, ये जो एक गेय पद है, यानी रासक से हुई, ये सर्वमान्य मत है और ये रासक एक गेय छंद भी है। अधिकतर रासो ग्रंथ अप्रमाणिक हैं। आदिकालीन रासो काव्यों के प्रमुख छंद हैं छप्पे, तोटक, तोमर, पद्दरी और नाराज। आदिकालीन हिंदी साहित्य का सबसे लोकप्रिय छंद दोहा था।
डिंगल शैली का प्रयोग वीर रस की रचनाओं में होता था। पिंगल शैली का प्रयोग कोमल कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए होता था। गेय रासों काव्य हैं बीसलदेव रासो और परमाल रासो। अब बात करते हैं प्रमुख रासो ग्रंथों के बारे में। जैसे पहला है दलपति विजय का खुमान रासो। तो खुमान रासो के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे खुमान रासो काव्य 5000 छंदों में रचित है। खुमान रासो का नायक मेवाड़ का राजा खुमान द्वितीय है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे 19वीं शताब्दी में रचित माना है, जबकि 17वीं शताब्दी के चित्तौड़गढ़ नरेश राज सिंह के राजाओं तक का वर्णन इसमें मिलता है। दूसरे हैं जगनिक या परमाल। जगनिक का परमाल रासो या इसे आलाखंड भी कहते हैं। आलाखंड परमाल रासो से विकसित हुआ माना जाता है। परमाल रासो में ही आला उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। आलाखंड का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने करवाया था। आलाखंड का अंग्रेजी अनुवाद वाटरफील्ड ने किया था। आलाखंड लोकगीत के रूप में बैसवाड़ा में पूर्वाचल बुंदेलखंड में गाया जाता है। आला गीत बरसात ऋतु में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जगनिक के काव्य को आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषाभाषी प्रांतों के गांव-गांव सुनाई पड़ते हैं। ये गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जगनिक के मूल काव्य का क्या रूप था ये कहना कठिन हो गया। अनुमानतः इस संग्रह का वीरतापूर्ण स्वर तो सुरक्षित है, लेकिन भाषा और कथानकों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया। इसलिए चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो की तरह इस ग्रंथ को भी अर्धप्रमाणित कह सकते हैं। फिर वीर भावना का जितना प्रमाण रूप इस ग्रंथ में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। परमाल रासो के नायक आला का विवाह सोनवा से और उदल का विवाह फुलवा से हुआ। तीसरा है सारंगधर। इनका ग्रंथ है हमीर रासो। रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो से अभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत मानते हैं। यानी रामचंद्र शुक्ल हमीर रासो से अभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत मानते हैं। हमीर रासो के कुछ छंद प्राकृत पैंगलम में भी मिलते हैं। राहुल सांकृत ने इसे जज्जल रचित माना है। हमीर रासो में राजा हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन है। चौथा है नल्ल सिंह का विजयपाल रासो। मिस्र बंधुओं के अनुसार इसका रचनाकाल 14वीं सती है, जबकि सर्वमान्य मत 16वीं सती है। अभ्रंश भाषा में रचित है ये ग्रंथ। इसके बाद पांचवा है नरपति नाल। इनका बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो एक बृहगीत काव्य है। बीसलदेव रासो मुक्त परंपरा का प्रतिनिधि गेय काव्य है। मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि गेय काव्य है। बीसलदेव रासो का प्रमुख रस श्रृंगार है। हिंदी का प्रथम बारहमासा वर्णन बीसलदेव रासो में मिलता है, जिसका प्रारंभ कार्तिक मास से होता है। बीसलदेव रासो में छंद वैविध्य के साथ साथ विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग भी मिलता है, जैसे राग केदार। इसमें मेघदूत एवं संदेश रासक की परंपरा भी विद्यमान है। बीसलदेव रासो पर जिनदत्त सूरी के उपदेश रसायन रासो का रास का प्रभाव दिखाई देता है। बीसलदेव रासो में 125 छंदों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ का मूल संदेश यह है कि कोई स्त्री लाख गुणवती हो, यदि वह पति से कोई बात बिना सोचे समझे करती है तो सब कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए इस ग्रंथ को श्रृंगार परक होते हुए नीति परक माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने बीसलदेव रासो को वीरगति के रूप में सबसे वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक माना है। बीसलदेव रासो की नायिका राजमती भोज परमार की पुत्री है। बीसलदेव रासो को चार भागों में व्यक्त किया गया है। इसके प्रथम खंड अजमेर के राजा विग्रहराज बीसलदेव का भोज परमार की पुत्री राजमती के साथ विवाह दिखाया गया है। दूसरे खंड में रानी के व्यंग्य से रूठकर राजा के उसी उड़ीसा चले जाने की कथा है। तीसरे खंड में रानी के बृह वृतांत है और चौथे खंड में दोनों का पुनर्मिलन है। बीसलदेव रासो के रचना काल पर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है और विभिन्न विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि संबत 1212, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी संबत 1212 मानते हैं। रामकुमार वर्मा 1058 संबत मानते हैं। मिश्र बंधु इसका संबत 1220 मानते हैं। मोतीलाल मीनारिया इसका संबत 1545 से 1560 ईस्वी के करीब मानते हैं। वहीं गौरी शंकर हीरा चंद ओझा
इसका समय संबद्ध 1030 से 1056 मानते हैं। वहीं सर्वमान्य मत है 1212 ईस्वी। सर्वमान्य जो मत है वो 1212 ईस्वी है। अगला ग्रंथ है चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। सूरदास ने साहित्य लहरी में स्वयं चंद्रवरदाई का वंशज बताया है। सूरदास ने साहित्य लहरी में स्वयं को चंद्रवरदाई का वंशज बताया है। पृथ्वीराज रासो श्रृंगार एवं वीरस प्रधान ग्रंथ है। चंद्रवरदाई छप्पे छंद के विशेषक थे। पृथ्वीराज रासो में 59 सर्ग हैं जिन्हें समय कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को समय कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो का प्रथम समय आदि समय है। कनुज समय में जयचंद एवं पृथ्वीराज के बीच युद्ध का वर्णन है। पद्मावती समय में एवं कैमासवध अन्य उल्लेखनीय समय है। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप प्रबंध काव्य है। जनश्रुति है कि चंद्रवरदाई और उनके आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान का जन्म एवं मरण एक ही दिन हुआ था। चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को उनके पुत्र जलहण ने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्ध का वर्णन कन्वज समय अध्याय में मिलता है। पृथ्वीराज रासो की कथा कित्ती कथा के रूप में संवादात्मक शैली में चलती है। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता या उद्धारक कर्नल जेम्स टॉड हैं। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को और उनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी माना है। बच्चन सिंह का ही अगला कथन है समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है जो जितना पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुभि संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर नगेन ने पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग माना है। नामवर सिंह कहते हैं वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। भाव भंगिमा के साथ साथ दनादन भाषा नए नए छंदों की गति धारण करते हुए चलती है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज रासो को किन किन कौन कौन से विद्वान प्रमाणिक मानते हैं और कौन कौन से विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं। तो बात करते हैं प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। तो इनमें हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, राधा कृष्ण दास, मोतीलाल मेनारिया, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कुमार कन्हैया जू। ये 7 लोग पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। इसी के साथ पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानने वाले विद्वान भी हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं, बूलर हैं, रामकुमार वर्मा हैं, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा हैं, मुंशी देवी प्रसाद हैं और छठे हैं कवि राजा मुरारीदीन और 7वें हैं कवि राजा श्यामदास। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान। सर्वप्रथम बूलर ने 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ को पृथ्वीराज की राज्यसभा के कश्मीरी कवि जयनक ने संस्कृत भाषा में लिखा था। यानी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों का तर्क है कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो अप्रमाणित घोषित किया था सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने। अब एक बार और है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित मानता है, जो कि न प्रमाणित मानता है न अप्रमाणित मानता है। वह पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित मानता है। वे कौन कौन हैं? वे हैं सुनीति कुमार चटर्जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, मुनि जिनविजय और विपिन बिहारी चतुर्वेदी और छठे हैं अगर चंद्र नाहटा। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानने वाले विद्वान। यानी कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो को प्रबंध काव्य न मानकर मुक्तक काव्य मानते हैं। वे कौन कौन हैं? वे हैं नरोत्तम स्वामी का मत था कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की। तो मुक्तक
काव्य मानने वाले विद्वान हैं नरोत्तम स्वामी। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के संस्करणों के बारे में। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। बृहद रूपांतरण, इसमें 16,306 छंद हैं, 69 समय हैं, काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है ये। और दूसरा है मध्यम रूपांतरण, इसमें 7,000 छंद हैं, अबोहर एवं बीकानेर में हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है। तीसरा है लघु रूपांतरण, इसमें 3,500 छंद हैं, 19 समय हैं, और ये भी बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं। चौथा लघुत्तम रूपांतरण है, इसमें 1,300 छंद हैं। दशरथ शर्मा इसी को मूल रासो मानते हैं, यानी जो चौथा लघुत्तम रूपांतरण है दशरथ शर्मा उसी को मूल रासो मानते हैं। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण नारी नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित है, इसमें 16,306 छंद, 69 समय हैं। और माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रासो के 4 पाठ निर्धारित किए हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो आदिकालीन रासो साहित्य पर।